आप किस कंटेस्टेंट को एकदम परख के देखते हो कि ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है? स्टैंड की बात कर ले, उनकी फैन फॉलोइंग काफी बाहर अच्छी, आपको उनका गेम किस तरह का लगा? बिग बॉस से पहले क्या आप स्टैंड को जानते थे? मैं जी बिल्कुल जानता था। कौन सा गाना सुना था उनका? मैं बस्ती का हस्ती। बस्ती का हस्ती सुना था ना जी। तो बस्ती के हस्ती के बाद जब वो अब बिग बॉस के अंदर आए तो अब पूरा इंडिया उनको जानता है, क्योंकि उन्होंने अपने गानों के साथ साथ अपनी एक पर्सनैलिटी भी दिखाई है एंड ही इज डूइंग अमेजिंग और बहुत ही कमाल कंटेस्टेंट है। इसी तरह से साजिद भाई कमाल कंटेस्टेंट, शिव बहुत अच्छा है। तो ये जो मंडली मंडली बोलते हैं ये एक्चुअली बहुत ही रियल खेल रहे हैं सारे के सारे और साथ में हैं, मिल के कर रहे हैं। तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन दिस एंड अब जाके ये थोड़ा, क्योंकि बेचारे स्टैंड को भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को जाना है, मेरे को घर जाना है, मुझे याद आ रही है, मेरे को जाना है, इधर मर जाएगा इधर घुट जाएगा। बिग बॉस, बिग बॉस का घर आसान थोड़ी भाई, 4.5 महीने निकाले मैंने और हम तो ऐसा खेलेंगे ऐसा, अगर हम मुझ जैसा कंटेस्टेंट होता तो ये लोग तो दीवारों पर चढ़ चढ़ के बाहर भागते, हमने तो ऐसे ऐसे पोक किया लोग बाहर ही हो गए बिग बॉस के घर से। तो ये तो बेचारे बहुत शरीफ और इज्जत वाले कंटेस्टेंट्स हैं और भैया जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट, आप एंटरटेनमेंट दो। अब जैसे अर्चना को लगता है कि मतलब वो बिग बॉस की माँ है, मतलब सिर्फ बिग बॉस के बारे में बोलना है, विच इज़ गुड। वो शुरू में बहुत अच्छा कर रही थी, अब भी कर रही है, लेकिन कभी कभी आदमी कैरिड अवे हो जाता है तो बीच बीच में उनको बताना पड़ता है कि भैया कैरिड अवे नहीं, हमारा शो है, इसको ज़रा सही से चलाओ। तो विच इज़ आई थिंक विच इज़ गुड एंड धीरे धीरे करके भी समझ रहे हैं और शो लाइन पर आ गया है। मेजोरिटी शिव को बोलती है कि वो मास्टर माइंड है, अच्छा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसके पीछे का रीजन? वो मराठी बिग बॉस के विनर शिव मास्टर माइंड नहीं है, शिव बहुत दिल से खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है, इज डूइंग ग्रेट। बट एंड ऑफ द डे जो बिग बॉस के बाद जो गेम को चला रहे हैं वो साहिद भाई, वो बहुत प्यार से खेल रहे हैं, इनको भी कंटेस्टेंट को भी नहीं पता किसी को। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जिसको आप पसंद नहीं करते उस घर में? यार मैं खुद एक कंटेस्टेंट था, मुझे किसी ने पसंद नहीं किया था मेरे सीजन में, तो मैं नहीं बोलूँगा किसी को पसंद, मैं सबको पसंद करता हूँ। हाँ, बिग बॉस के घर में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, जो है वहीं मिट्टी डाल के आ जाना, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। एंड बस जनता को प्लीज़ एंटरटेन करो, बिकॉज जनता अपना टाइम दे रही है, तो उनकी टाइम की वैल्यू रखो यार। अंकित हाल ही में इवेक्ट हुए, उनके बारे में आपका क्या कहना है? काफ़ी कुछ उनके बारे में बोला गया था। यार देखो, अंकित बिग बॉस का एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो कि पानी पे भी सो सकता है, उसने कोई जगह नहीं छोड़ी, बाथरूम में वो सोआ, बेड पे वो सोआ, काउच पे वो सोआ, घास पे वो सोआ, वो इतना सोआ, सो के उसने 10 हफ्ते निकाल दिए, 8-9-10 हफ्ते भाई। और प्रियंका कंधे पे भी सो जाता था, प्रियंका की वजह से टीम ने वो किया। तो मैं समझता हूँ अंकित ने, अंकित को होता ना किस्मत वाला, लहरों से वो निकल गया, लेकिन कुछ किया नहीं उसने बेचारा, करना चाहिए था। बिल्कुल, इसी के साथ वेस्ट ऑफ टाइम था अंकित, बिग बॉस की कैलकुलेशन में किया ही नहीं बेचारा ने। 24/7 में कास्ट की बात करें, काफी इंटरेस्टिंग कास्ट है, काफी अलग अलग ऑनलाइन 24/7 जो वेब सीरीज है जी, तो उसके बारे में बताइए उन कास्ट के साथ। यार देखिए, मैं अभिमन्यु सर मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, बेहतरीन एक्टर हैं, उनके साथ में काम कर रहे हैं और बाकी और भी बहुत सारी कास्ट हैं और हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं और गोवा जा रहे हैं अगले हफ्ते शूटिंग में, आप प्लीज़ देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। इसी के साथ काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, एट द एंड दर्शकों को, आपके चाहने वालों को कुछ बोलना चाहोगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, मैं दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो 2023 है ये आपका साल है और गोल बना दीजिए। और मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा एक छोटा सा गांव है ग्राम मुरादपुरा, मुजफ्फरनगर यूपी से आया हूँ और आने के बाद मैं मैनहट्टन से लेके 72 कंट्रीज़ में मैंने कॉन्सर्ट्स किए, तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन फोकस था, गोल पे था और इंडिया के सबसे बड़े शोज़ किए। तो आप भी प्लीज़ जो भी आपका गोल है उस पर लगे रहिए, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए और 2023 आपका साल हो, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और मेरे प्रोजेक्ट्स प्लीज़ देखिए, इंस्पेक्टर अविनाश रदी बुड्ढा के साथ आ रही है 24/7 ये आ रही है, बाकी मेरे गाने आ रहे हैं और एक दो और बड़ी फिल्में हैं जो कि मैं आपको जब होगा उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल तो आप लोगों को बुला के सामने से बता दूंगा। टिल देन मेरी तरफ से, पूरी बॉलीवुड की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जय हिंद आप लोगों को, जय बॉलीवुड और कंग्रेचुलेशन RRR गाने के लिए। Lot of love to all of you. Thank you very much. Ali Kulimirza checking out. Thank you.